सारी जबरदस्ती तुम्हारे जीवन में घटेगी, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा। संघर्ष को शांति से लड़ना। तुम में से बहुत लोग अभी भी लेटे ही हो गए कमरे में, हो ना, उल्टी सीधी बातों में जिंदगी को उलझा के रखते हो, उल्टी सीधी बात। लड़ना बहुत जरूरी है क्या? तुम बहुत गौर से देखो अपनी जिंदगी को। आज एक काम करो, क्लास के बाद बैठो, सोचो कि लड़ ही तो रहे हो। वो कल मैंने डायग्राम बना के दिया ना कि युद्ध चल ही रहा, जब से पैदा हुआ युद्ध चल रहा है, और एक सपना दिया गया है कि कल खुशी होगी। हाई स्कूल टॉप कर जाओगे तो खुशी होगी, इंटर टॉप कर जाओगे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, IIT क्वालिफाई कर जाओगे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, IAS बन जाओगे जीवन व्यवस्थित। बस ये एक हर बार अब बुढ़ापे में कुछ करने को तो बचा नहीं। एक और मुद्दा पकड़ा दिया बुढ़ापे में कि जन्नत स्वर्ग एक माला ले लो घुमाओ, अब स्वर्ग में जाओगे तो खुशी मिलेगी। कैसे बहलाता है जीवन। खुशी एक ही है, इस संघर्ष को शांति से लड़ना, और कोई खुशी ही नहीं है। इसको तुम अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो। लड़ना तो है ही है, इस संघर्ष को जो हमारे जीवनों में चल रहा है, इस संघर्ष को शांति से। क्या विरोधाभास है, संघर्ष और शांति, वॉर एंड पीस। लियो टॉलस्टॉय ने यही किताब लिखी है, संघर्ष को शांति से लड़ना। लड़ना तो है, बचोगे है ही नहीं, संभावना ही नहीं। आज सुबह 5 बजे नहीं उठोगे, कल कहीं नौकरी लग जाएगी, वो बुला लेगा 5 बजे। जाओ देखो तुम्हारी सोसाइटियों में, दिल्ली में, बंबई में, गार्ड जो नौकरी कर रहे हैं रात रात भर जग रहे हैं। कभी उन्होंने फैसला किया होगा कि भैया हम रात में नहीं जग पाएंगे, भैया आज जग रहे जीवन जीने के लिए। लेकिन लड़ना कहा, कैसे? सबसे नहीं लड़ना, और मां बाप से तो बिल्कुल नहीं लड़ना है। तुमने एक रिक्शा वाले से कहा कि भैया हमको जरा आगे तक छोड़ दो, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, तुमने पिस्टल निकाली गोली मार दी। ये क्राइम है, तुमको कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मृत्युदंड। तुम ऑटो वाले से लड़ गए, तुम मेट्रो में सीट के लिए लड़ गए। तुम में से बहुत लोग अभी भी लेटे ही हो गए कमरे में, हो ना, पड़ा हो गए अभी भी, भगवान ही का हो रहा है। संघर्ष करना ही है, सब खेल रहे हैं, सब जिसका जहां लग जाए। ऐसा नहीं है, जब मैं किसी एक एग्जांपल को दूं तो आप मत समझो कि मैं इसी की बात कर रहा हूं, सभी यही कर रहे हैं, सभी। यह नियम है, यह संसार का नियम है। तुम बस एक काम करो, तुम्हारी जिंदगी इतनी महान हो जाएगी कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तुम जागो, तुम कहोगे मैं तो जागा हूं। अरे ये तो आंख खुलना जागना नहीं है, तुम जागो और देखो। ये न्यूटन का चौथा लॉ है, जागो और देखो।
और बस यही का ये छोटा सा सूत्र है, बहुत छोटा सा, और जैसे ही ये करोगे वैसे ही तुम्हारी समझ का विकास होना शुरू हो जाएगा। बड़ा प्यारा और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, सिर्फ जागो और देखो। अभी बेरोजगार हो तुम, तुम्हारे पापा क्लर्क हैं, कोई बहुत बड़े घर से भी नहीं हो, और किसी घर चले गए किसी लड़की का रिश्ता मांगने, और बहुत मारा उसका बाप पटक के, बहुत मार मारा, बाप ने मारा, मां ने मारा, भाइयों ने मिलकर मारा, तुम बच के निकल आए, यही बहुत बड़ी बात। और कल तुम आईएस हो गए, और कल तुम आईएस हो गए, और फिर गए रिश्ता मांगने, और पूरा परिवार तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, कह रहे भैया बता दिए होते हम खुद ही लेके आ जाते। और तुमने कहा कि आपकी तो दो बेटी है। हाँ, उन्होंने कहा दो है, तुम दोनों से कर लो, दोनों से करोगे, दोनों से करो, राजा महाराजा तो दो तीन करते ही है भैया। देखो देखो, जागो और देखो, तुम्हारी समझ बढ़ती चली जाएगी। सिंपल, कोई किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ ही तो बढ़ानी है। और जैसे तुम समझने लगोगे, समझ का एक जादू है, समझ का एक जादू है, जैसे ही तुम समझने लगोगे पता है क्या घटेगा, बड़ी जबरदस्ती तुम्हारे जीवन में घटेगी, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा। कि तुम उलझे हो ये कम होने लगेगा। देखो लोग कैसे अपने से नीचे लोगों को राय देते हैं, किसी आईएएस ऑफिसर को देखो, अपने चपरासी को राय देगा, देखो तुम ऐसे किया करो, ऐसे खाया करो, ऐसे रहा करो, अपने बच्चे को ऐसे बताया करो। और वही आईएएस ऑफिसर जब किसी मिनिस्टर के सामने होता है तो मिनिस्टर की बात सुन रहा होता, मिनिस्टर आईएएस को बता रहा होता कि गुप्ता जी, जी साहब, अरे आप आइसक्रीम खाया करिए वनीला, जी जी साहब मैं खाता हूं साहब। बस यही दुनिया है। और जैसे ही तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा, तुम्हारी क्षमता बढ़ने लगेगी। और जैसे ही तुम्हारी क्षमता बढ़ने लगेगी, तुम्हारी उपलब्धि बढ़ने लगेगी। एक स्टूडेंट है आईएएस, तो जब उसका आईएएस का इंटरव्यू आया, समय आया, तो उसकी बुआ ने अपने पैतृक मकान में क्लेम कर दिया। मेंस क्वालिफाई कर लिया उसने। जब मेंस क्वालिफाई कर लिया तो उसकी बुआ ने जो पैतृक मकान था जिसमें वो लोग रहते थे, पिताजी लोग, उसका परिवार रहता था, उसमें क्लेम कर दिया कि इसमें आधा हिस्सा हमारा है। सोचो, लड़का इंटरव्यू देने जा रहा है, सगी बुआ पैतृक संपत्ति में क्लेम कर रही है कि इसमें आधा हिस्सा हमारा है। कभी नहीं कहा, अमेरिका में रहती है। उसने हमको बताया कि सर घर में तो बवाल हो गया। हमने कहा तू एक काम कर, छोड़ दे मकान तुरंत। पापा से कहते तो मकान ही छोड़ दे, किराया ले ले बेटा, छोड़ दे। अरे कहा सर करोड़ों, अरे मैंने कहा भाड़ में गए तू, अरबों का आदमी करोड़ों के चक्कर में पड़ा है, तुम सब अरबों रुपए के लोग। मोदी जी लड़े कभी अपने परिवार मकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए? छोड़ दिए, लेकिन दूसरी तरफ लड़ते रहे। तुम में से बहुत लोगों को चिंता होगी कि हमारे खेत में पेड़ लगा था और इस पटीदार हमारे काट लिए होंगे। तुमको तो पूरा जंगल काटना है ना। इसलिए तो कहते हैं राम और कृष्ण की फोटो लगाओ सामने, तुरंत नहीं लड़ना है, पहले शक्ति का विस्तार करना है।
भाई जो भगवान कृष्ण खुद निकल के आ सकते हैं जेल से, वो माँ बाप को भी तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाला, शक्ति का विस्तार किया बाहर निकलकर, फिर युद्ध किया। तुम आज ही करना चाहते हो, हवा चल जाए हिल रहे हो, आंधी आ जाए गिर पड़ो, किसी शादी में गए किसी ने पानी नहीं पूछा, टेंशन में हो तुम कि बड़की मामी की बिटिया की शादी में गए थे और एक लड्डू कोई पूछा नहीं, अबे लड्डू रखे थे खा लेते उठा के, उल्टी सीधी बातों में जिंदगी को उलझा के रखे, उल्टी सीधी बात कि बड़ी बुआ आई थी जाते एक रुपया भी मेरे हाथ पे जाते जाते नहीं रखी, सिर्फ वाहियात बनेगी बातें। कौन हो तुम, क्यों तुम्हारे हाथ पर ऊपर रखे, भगवान को चढ़ावा चढ़ता है भिखारियों को नहीं। भगवान यानी शक्ति, इस संसार में भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, भगवान को, भिखारियों को चढ़ावा नहीं चढ़ता, भिखारियों को दान दिया जाता है। वो जो मंदिर के बाहर लोग बैठे हैं उनको दान, जो अंदर पत्थर की मूर्ति है उसको चढ़ावा, पैसा दोनों जगह दिया जा रहा है, फर्क है, बाहर ताव में दिया जा रहा है, ये ले 5 रुपए रख ले, और अंदर झुक के दिया जा रहा है कि मालिक तन मन धन सब अर्पित तुमको, काहे मरे जा रहे हो। क्यों मरे जा रहे हो, अगर जीवन में उपलब्धि बढ़ानी है तो ये काम करो। कभी किसी रिक्शे वाले के पास खड़े हो जाओ, देखो उसे, यार इसको किसी ने कभी अपना रिश्तेदार नहीं कहा यार, इसको किसी ने होली में मिठाई नहीं भिजवाई यार, मुस्कुराओगे तुम? अभी बेरोजगार हो किसी स्त्री से कह दो कि मुझसे शादी कर लो, कहेगी नहीं नहीं मैं तो पापा की मर्जी से ही करूंगी, नहीं तो पापा हार्ट के पेशेंट है ना, प्रयोग नहीं करते। गांधी जी ने बड़ी अच्छी बायोग्राफी लिखी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तुम भी करो, कौन रोक रहा है। पर तुम तो गांधी जी को गाली दोगे, गांधी जी भैया बहुत गंदे आदमी थे। अच्छा तुम्हारा आम चुराए थे? नहीं नहीं भैया, जागो भारत जागो।